पार्टी के बड़े नेता हैं फिराद हाकिम, बॉबी हाकिम, जो कि ममता बनर्जी की स्कूटी चला रहे थे जब ममता दीदी गई थी स्कूटी पे, जो ममता दीदी के बहुत नज़दीकी हैं, आपकी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, उन फिराद हाकिम साहब अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं और फिराद हाकिम साहब से बात की है मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने, आइए सुन लेते एक बार। कोलकाता पोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट उम्मीदवार फिराद हकीम हमारे साथ है। 5 राउंड की काउंटिंग के बाद 25,000 से ज्यादा वोटों की लीड ले लिया है फिराद हकीम ने। बॉबी दा, ये बताइए आप, तो ये तो लगभग तय अभी माना जा रहा है कि आप यहाँ से जीत रहे हैं, लेकिन पूरे बंगाल से जिस तरह की खबर फिलहाल आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? हम पहले भी आपको कहा, आज भी फिर दोहरा रहा हूँ, जो बंगाल में 2/3 मेजॉरिटी में ममता बनर्जी का सरकार फिर से बनेगी और हमारे पोर्ट के जो ताल्लुकात हैं उसमें मैं आपको कहता हूँ, मैं सारा साल लोगों के साथ रहता हूँ और मैं कभी पोर्ट में वोट नहीं मांगा, आप मुझे वोट दीजिए नहीं कहा। हम कहा अगर हमसे अच्छा कैंडिडेट आपको मिले, काम करने वाला मिले, आपके साथ रहने वाला मिले तो उसे वोट करिए, क्योंकि वोट कोई भीख नहीं है जो हम मांगेंगे आप दे दीजिएगा, वोट सोच समझ के दीजिए, आपका डेवलपमेंट कौन कर सकता है, आपके सुख दुख में कौन साथी बन सकता है, इसको वोट दीजिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे आवाम का, सब लोगों का, जो उन्होंने हमको विश्वास किया है, इस ये लेके 3rd टर्म हमें विश्वास किया है। मैं यहाँ का हूँ, पोर्ट में जाके लड़ता हूँ, फिर भी भरोसा है जो जब भी हमारे दरकार होगा, जब हमें कोई मुश्किलात होगी तो बॉबी दा हमारे पास खड़े होंगे और कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट का जो मसला है ये पोर्ट में जारी रहेगा, ये भरोसा। ABP News आपको रखे आगे।